I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm not a I wake up every minute with a fever dream. I push my mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need a... Assalamualaikum, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो कल जैसे कि आज ईद का तीसरा दिन है तो सबको तीसरी ईद मुबारक हो। ईद हो गई ख़त्म और कल से माशाल्लाह से काम की रूटीन भी स्टार्ट हो जाएगी सब कुछ। तो कल तो मैं एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गई, ये कल हम गए थे ना कबाब जी, तो वहाँ से केक लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि यहाँ का केक ना काफ़ी मशहूर है यहाँ का केक, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम ट्राई करते। लेकिन कल आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी, तो थोड़ी सी तबीयत भी मज़े में थी, थकन भी हो गई थी, तो बट ना इसीलिए आप लोग को बता नहीं पाई। तो फिर अब मैंने कहा बताती है, आने के बाद केक तो खा लिया था लेकिन ना पता नहीं लोग क्यों कहते कि तबीयत ठीक ना हो तो ना बंदे को तैयार शैर नहीं देना चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर हमारी तबीयत खराब है या कोई हमें दुख है या कोई दर्द है तो उसमें हम ना मतलब के दुख में रहेंगे तो दुख ठीक नहीं हो जाएगा। इंसान को हमेशा ना अच्छे से रहना चाहिए। और कल ये देखें आप, ये कल का खाना हमने खाया था ना, तो इतना सा खाना भी ना हमसे नहीं खाया जाता, काफ़ी ज़्यादा ये खाना बच चुका था तो जो कि हमने पार्सल करवा लिया, क्योंकि पता है खाने को ज़ाया करना गुनाह होता है। तो ये देखें, ये कबाब थे, ये राई चटनी थी और ये रोटियां थी, तो ये सब कुछ बच गया था तो हमने पार्सल करवा लिया। और अगर हम पार्सल ना करवाते ना तो ये वहाँ पे वेस्ट हो जाता है और ज़ाया होता है, जो कि मैं तो एक निवाना मुझे होने का होता है ना, मैं उसे ज़ाया नहीं करती, चाहे मेरी पसंद की चीज़ हो चाहे पसंद की चीज़ ना आए। तो अभी मैंने खाना भी फ्रिज से निकाला तो गर्म करके खाया जाए। और सबसे मेन चीज़ ये जो कि आज के लोग बतानी है, कबाब जी का केक। आपको पता है मैं ना चॉकलेट केक बिल्कुल भी नहीं खाती, ना चॉकलेट केक ना चॉकलेट आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं खाती। लेकिन ये सुहाना के बहुत ज़्यादा इशार करने पे और काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड ने मेरे नाम सुना था कि यहाँ का केक ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अच्छा है, तो इसीलिए हम आते हुए हमने ना ये केक लिया था। तो मैं आप लोग को ना ये केक दिखाती हूँ। तो मैंने केक खाया, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, हालांकि चॉकलेट केक है और चॉकलेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो केक खाया काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और आज तीसरा दिन है तो फिलहाल तो हमने कुछ प्लान नहीं किया कि कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन मूड हुआ तो कहीं जाएंगे। और तीसरे दिन बाकी सारे जो मेरे सूट है, जो काफ़ी सारे लोग कहते हैं ये कब पहनोगे ये कब पहनोगे, तो सारे सूट बच चुके हैं। तो अगर बाहर गए तो इंशाल्लाह ताला पहनूंगी और ब्लॉग बनाऊंगी। और एक दिन में दो ब्लॉग में नहीं डाल सकती क्योंकि एक दिन में दो डालते हैं ना, तो फिर ब्लॉग गर्मी हो रही तो क्यों ना एसी में बैठ के केक ट्राई किया जाए। तो चले हम अंदर चलते हैं। और बच्चे अभी तक मेरे सो रहे हैं क्योंकि छुट्टी, हाँ सारे बच्चे सो रहे हैं, आखिरी छुट्टी है तो मैंने सोचा कि बच्चों को सोने दिया जाए। तो मैं आप लोग को केक दिखाती हूँ, केक तो मज़े का केक है। इससे पहले तो हम चॉपर से निकालते हैं, सोचा कि
ये केक और ये जो मीठी चीजें है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मीठे की मैं लवर हूँ, स्वीट लवर, चाहे मीठे में चाहे मिठाई हो, चाहे लपेची हो, चाहे कस्टर्ड हो, कुछ भी हो ना, मुझे तो खाना ही खाना है। और खासकर चांद रात को तो हर किसी के घर में मिठाई आती है, मेरे घर में भी आती है, तो बस सिर्फ मिठाई मैं ही खाती हूँ, बच्चे भी नहीं खाते, और मेरे हस्बैंड तो बस खाने के नाम पे इतनी सी चखेंगे तो फिर तो एवं। अभी केक भी आया ना घर में तो कोई भी नहीं खाएगा, एक दो दिन मैं ही खाती रहूँगी। उसके बाद ना ये देखे रात को आधा बच्चों ने खाया, तो फर्स्ट डे आता है तो ये सारे पीसेस मैंने घर के रख दिए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो पीस निकाल के खा सकते हैं। तो बच्चे मेरे छोटे हैं तो वैसे मुझे बताना जरूर कि कबाब जी का केक किस किसने ट्राई किया। तो ये केक मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो आप में से किसी ने ट्राई किया तो मुझे कमेंट्स करके बताना। तो किस किस को खाना है ये केक, बहुत बड़ा कह रहे थे आप लोग मुझे ईदी दो। तो खास कर तो ईदी तो बॉयज को, गर्ल्स को देनी चाहिए, तो ये केक मेरी तरफ से सबकी ईदी है, तो मैं मुंह मीठा करवा रही हूँ सबको, आप देख लो ठीक है ना। और वाकई बहुत ही जबरदस्त केक है, और हर किसी के स्पेशल चीज होती है, तो इसका हमने सुना था कि इसका चॉकलेट केक अच्छा होता है, और आज तो चॉकलेट केक के दर्शन हो गए और चॉकलेट केक चखने को मिल गया। बस मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए तो मीठे की तरह रसगुल्ले की तरह गोल मटोल हूँ। और वैसे मेरा तो कहना ये है ना कि बंदे को ना इसी तरह का गोल मटोल रहना चाहिए, ताकि ना जो कमजोर बंदा होता है ना, सुकड़ा सा, जब बीमार होता है ना तो एकदम से बेड पे पड़ जाता है, और जो हम जैसे बंदे होते हैं ना फिर भी हमें थोड़ी बहुत सी कैपेसिटी होती है खुद को संभालने। तो ये आप देखें कि सबसे पहले उनकी शॉप पर देखें कितनी प्यारी है ना, तो इसके ऊपर ना ये डिलीवरी नंबर भी है, तो बिल्कुल हमें मंगाना हो घर पे तो फ़ोन करके हम ऑर्डर दे सकते हैं। तो वाकई चॉकलेट अच्छी इतनी नहीं होती, लेकिन चॉकलेट केक बहुत ज़बरदस्त है, वरना तो मैं स्ट्रॉबेरी केक और पिस्ता केक यही खाती हूँ। तो आज सोचा है कि ईद का तीसरा दिन है तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हैं, और वैसे ही दो दिन हम इतना लेट गए वो पता है क्यों, गर्मी की वजह से, तो आज भी गर्मी है, और अब आगे का प्लान हमने सोचा नहीं है कि क्या करना, फिलहाल तो मैंने सोचा कि खाने का वक्त है तो केक खाया जाए, उसके बाद थोड़ा बहुत सा खाना खाऊंगी जो रात का बचा हुआ खाना है, तो ये खाना पीना खा के फिर इंशाल्लाह ताला सोचेंगे। और उसके बाद कल से तो बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, तो ईद गई। अब लाइफ में ऐसा है ना कि हम एक ना एक चीज़ का इंतज़ार करते रहते, और आप लोग कहेंगे कि सुबह सुबह उठ के इतना मेकअप किया हुआ है, तो ये मेकअप मुझे रात का ही किया हुआ है, रात को बहुत थक गई थी तो बस फेस पे पानी डाला और सो गई थी। वैसे वाटर प्रूफ मेकअप है, लड़कियों को तो पता होता है, और लड़कियाँ तो मेरे भी लोग देखती नहीं, तो ये मेकअप ना जब तक झगड़ो नहीं ना तब तक नहीं निकलता। हाँ एक ये बात भी है, अक्सर लड़कियाँ कहती हैं कि तुम्हारे भी लोग ना सिर्फ जेंट्स देखते हैं, तो बस अगर लड़कियाँ देखती नहीं तो फिर मुझे कमेंट्स करके क्यों बोलती है, यार छोड़ दो प्लीज़, जलना छोड़ दो, किसी पे हमें नहीं चलना चाहिए। वैसे भी ना हर किसी की अपनी लाइफ है यार, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, ये हमारा राइट नहीं बनता कि हम किसी को बोले। चलो भाई इतना भी गलत तो मैं अच्छी जगह घूमती फिरती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया बाहर की दुनिया देखी तो कुछ भी नहीं यार, शरीफ घराने की जो लेडीज होती है उन सबको ये पहनावा होता है, अपने भाइयों के साथ होती है, अपने हस्बैंड के साथ होती है, यहाँ तक कि अपने डेट के साथ होती है। अब ना बस क्या कह सकते हैं, अब बाप बेटी भी ना एक साथ खड़े हुए होते हैं ना, तो उस पर भी ना उनको बिल्कुल को ना बताना पड़ता है कि ये ना मेरा फादर है, मैं फादर के साथ खड़ी हूँ, वरना तुम ना बताओ ना, लिख के ना रखो ना, तो लोग इल्ज़ाम लगा देते और थोड़ी सी भी देर नहीं करते, इल्ज़ाम लगाते हुए थोड़ी सी भी देर नहीं करते, और वो मुझे भी देर नहीं कर खाते, मुझे भी देर नहीं करनी चाहिए। तो बस ये देखे ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा यमी यमी सा केक है, एक बार मेरे घर से ट्राई जरूर कीजिएगा, हालांकि मुझे फ्री का केक नहीं मिला, फिर भी मैं ऐसे ही दिल से कह रहा हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगी ना तो मैं चाहूँगी कि वो चीज़ आप लोग भी ट्राई करें, बाकी आप लोग की मर्जी है, वैसे मैं होती कौन हूँ कहने वाली। वैसे अब इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि मैं कितनी जगह पर जाती हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ना मुझे पहचानने वाले मिलते हैं। बस फिलहाल तो मैंने इतना ही खाया, मैं खाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा, पर खाऊंगी बार बार, ये मेरी आदत है, और एक आदत मेरी ये भी है रात को उठ के खाने की, बट खाऊंगी थोड़ा सा खाना बार बार, वो वैसे खाते पीते रहना चाहिए, खाते पीते ये डल ही नहीं रहे। तो बस यही कहना था आप लोगों से, और खैर आज ईद का तीसरा दिन है तो खैर कौन क्या कर रहा है भाई बताइएगा, ज़्यादा घूम फिर लिया, नए कपड़े पहन लिए, तो अब है काम काज की बारी, और दोबारा से वही
लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल जाना आना और बस। और ना वैसे ना लाइफ में ऐसा होता है ना कि एक ना एक चीज़ का हम इंतज़ार करते हुए गुजारते, तो फिर अब हम करेंगे बड़ी ईद का इंतज़ार और बकरीद आएगी तो उसके बाद फिर मोहर्रम आएगी। तो फिर वैसे तो ना लोग ना बस जिनमें कहते हैं ना जिनमें कोई बात होती है उन्हीं की बात होती है, होती रहे बात। मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रमज़ान था तो मैंने कहा कि सर में इतना जोर नहीं है तो कोई बातें नहीं करती थी, लेकिन अब क्या मैं कह रही हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग कहते रहो यार। पता है अब खुद से ज़्यादा ना मेरी फिक्र करने लगे लोग कि यार क्यों तुम जहन्नुम में जाओगी, यार ऐसा होगा वैसा होगा, जहन्नुम में जाओगी। जैसे ऐसा लग रहा है कि ना जहन्नुम की टिकटें बेचने वाले यही है, मुझे मशवरा देने वाले यही है, मैं जहन्नुम में जाऊंगी कि आप लोग जहन्नुम को देख के आओ, ये तो अल्लाह ताला की रजा है, ये तो मेरे मौला की मर्जी है, उनकी रजा है, वो चाहे तो बस किसी शराबी को भी बख्श देते हैं। और तो फिर ऐसी बातें तो होती रहेंगी, ना ही आप सुधरने वाले हैं ना ही मैं सुधरने वाली हूँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, मुझे दिखाना था आप लोगों के कि कभी कभी ना कोई चीज़ हमें ना पसंदीदा लगती है ना तो उसे ज़रूर ट्राई किया करें। अक्सर घर में ऐसा होता है कि कोई सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं होती तो वो ट्राई नहीं कर रहा होता, जैसे अब मुझे चॉकलेट केक पसंद नहीं था तो मैंने इसका चॉकलेट केक ट्राई किया तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह आप भी ट्राई करना, और जिस जिसने कबाब जी का केक खाया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो आज का व्लॉग यही था, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद नहीं भी आया होगा तब भी देखना और व्लॉग में से कीड़े निकालना मुझे बताना। तो व्लॉग पसंद आया होगा अपना बहुत सा ख्याल रखना और दुआ में मुझे याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।